वेलकम टू माई चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैस्टर वॉल्स। ये एक पोयम है जो कि लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। इनका बॉर्न या जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 लिंकनशायर इंग्लैंड में और डेथ हुई थी इनकी 6 अक्टूबर 1892 सक्सेक्स इंग्लैंड में। इन्हें जो पोइट लॉरेट का पद प्राप्त हुआ था वो 1850 में प्राप्त हुआ था। और ये जो पोयम है वो एक कलेक्शन है इनका द प्रिंसेस, उससे ली गई है। और ये जो पोयम है वो पोइट के द्वारा किल्लारनी झील जो कि आयरलैंड में सिचुएटेड है उसकी गूंज या इको सुनने के बाद 1848 में लिखी गई है। और जो भी क्रिटिक्स या आलोचक हुए हैं उनके द्वारा ये टेनिसन की बेस्ट लिरिक पोयम बताई गई है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैस्टर वॉल्स। तो देख लेते हैं पोयम का अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैस्टर वॉल्स एंड स्नोई समिट्स ओल्ड इन स्टोरी। तो पॉइंट जब नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, किल्लारनी झील को देख रहा होता है, तो वो ये भी देखता है कि जो सूर्य की चमक है वो कैस्टर वॉल्स मतलब जो किला है उसकी वॉल पर पड़ रही हैं और पुरानी जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं उन पर भी गिर रही हैं। और ये जो दृश्य है वो बहुत ही स्प्लेंडर या रौनक वाला लग रहा है। द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स एंड द वाइल्ड कैटेरैक्ट लीप्स इन ग्लोरी। कैटेरैक्ट का पर्टिकुलर अर्थ होता है बड़ा झरना और लीप का मतलब होता है छलांग। तो अब जब ये जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी किल्लारनी झील की सतह पर पड़ती हैं तो ये कांपती हुई प्रतीत होती है और जो झरना है उसके कलर को लाल रंग का और बहुत आकर्षण वाला बना देती हैं। ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। इन सारी बातों के बाद वो बोल रहा है कि ऐसे समय में उसको बिगुल बजाने दो जिससे कि जोर की आवाज़ इस तरीके से इको या गूंज करे कि वो दोबारा कभी सुनाई ही ना दे, मतलब इस लेवल तक चली जाए। क्योंकि जो इको होती है वो इसी तरीके से होती है, पहले तेज आवाज़ आती है फिर उससे धीरे और धीरे 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 होती जाती है आवाज़। ओ हार्क ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर क्लियरर फार्दर गोइंग। जो पॉइंट है वो नेचुरल सीन से घिरा हुआ है, उसके आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। तो वो बोलता है हार्क मतलब सुनो, अरे सुनो बिगुल की जो गूंज है वो कितनी बारीक है, क्लियर है और साफ़ है। और जैसे जैसे गूंज आगे बढ़ती है मतलब और भी आवाज़ आती है तो ये और बारीक और क्लियर होती जाती है। ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्केयर द हॉर्न्स ऑफ एल्फलैंड फैंटली ब्लोइंग। हॉर्न्स ऑफ एल्फलैंड का मतलब है जादुई नगरी। और ये जो आवाज़ है वो ढालू चट्टानों और खुली घाटियों पर और भी स्वीट या मीठी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो आवाज़ है किसी जादुई नगरी से आ रही हो। ब्लो लेट अस हियर द पर्पल ग्लैंस रिप्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इकोस डाइंग डाइंग डाइंग। तो पॉइंट यही कह रहा है कि उन शिकारियों को अपना बिगुल बजाने दो और हमको उन इकोस या प्रतिध्वनियों को उस घाटी में सुनने दो जो पीले रंग के फूल से ढकी हुई है। ग्लैंड का मतलब होता है घाटी। बिगुल को बजाने दो और उसकी जो इको है उसको धीरे धीरे शांत होने दो। ओ लव दे डाई इन योन रिच स्काई, दे फेंट ऑन हिल और फील्ड और रिवर। इन लाइन्स में वो अपनी लवर की तरफ इशारा करता है, कहता है कि उस बिगुल की जो गूंज या इको है वो दूर पहाड़ियों खेतों और नदियों में धीरे धीरे विलीन होती जाती है। जब भी बिगुल बजता है तो इसकी जो आवाज़ होती है वो हवा में ठहरती नहीं है, हर पल जो गूंज होती है वो कमज़ोर होती जाती है और तब तक कमज़ोर होती रहती है जब तक कि ये जो आवाज़ होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। अवर इकोस रोल फ्रॉम साउल टू साउल एंड ग्रो फॉर एवर एंड फॉर एवर। तो पहले तो उसने बिगुल की आवाज़ की बात बताई है कि वो हर पल कमज़ोर पड़ती जाती है और अब वो बात बता रहा है अपने हर्ट में जो रिएक्शंस होती हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं उनकी। पॉइंट कहता है कि जो उसके हर्ट में रिएक्शन या प्रतिक्रिया है वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करती हैं। उसका मानना है कि जो लव के रिएक्शन या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो लंबे समय तक सुनी जाती हैं क्योंकि वो थॉट्स पर और होप पर डिपेंड होती हैं। इस कारण टाइम और डिस्टेंस को भी पार कर जाती हैं और अमर हो जाती हैं। ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग एंड आंसर इकोज आंसर डाइंग डाइंग डाइंग। अब वो लास्ट की लाइंस में दोबारा से रिपीटेड लाइंस बोल रहा है कि जो बिगुल है उसको आवाज़ें पैदा करने दो जो धीरे धीरे हल्की या कमज़ोर पड़ती जा रही हैं।
तो कहने का मतलब यही है कि जो पोएम में जो पॉइंट है वो बताना चाह रहा है कि जो बिगुल जैसी चीज़ें होती हैं, नश्वर चीज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ें धीमे पड़ सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन जो ह्यूमन अफेक्शन होता है वो हमेशा बना रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।